हे गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा न्यू वे ऑफ डिस्क क्लीनअप। माइक्रोसॉफ्ट ने रीसेंट अपडेट में डिस्क क्लीनअप का एक न्यू वे ऐड करा है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो आपको ओल्ड वे तो पता ही होगा, हम माई कंप्यूटर में जाते हैं और सी ड्राइव में जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ आता है डिस्क क्लीनअप। तो ये तो बहुत पहले से आ रहा है ऑप्शन, तो इन्होंने न्यू वे ऐड करा है। आप यहाँ से भी क्लीन कर सकते हो इसको, और आप यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, यहाँ सेटिंग्स में, देन आप जाओगे सिस्टम में, उसके बाद ये स्टोरेज का ऑप्शन इन्होंने न्यू ऐड करा है रिसेंट अपडेट में। तो सबसे नीचे यहाँ आपको दिखेगा टेम्परेरी फाइल्स, तो आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि डिस्क क्लीनअप पे आपको जब सी ड्राइव में जाते थे तो अलग अलग जाना पड़ता था, सिस्टम फाइल डिलीट करने के लिए सिस्टम फाइल वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता था, बट यहाँ आपको सारी फाइल एक ही जगह ही दिखेंगी। आप यहाँ से सिलेक्ट करके, डिसलेक्ट करके, जो आपको रिमूव करनी है फाइल्स, आप उनको रिमूव कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो यहाँ से। और आप इसको मैनेज भी कर सकते हो डिस्क क्लीनअप को। आप बैक जाओगे जैसे ही, मतलब जैसे ही स्टोरेज खोलोगे, सबसे ऊपर आ रहा है स्टोरेज सेंस, और स्टोरेज सेंस ऑटोमेटिकली आपकी फाइल्स डिलीट कर देगा जैसे आप इसको कॉन्फ़िगर आपने इसको कर रखा है। तो इसके नीचे ही आपकी सेटिंग्स आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो स्टोरेज सेंस की जैसे जैसे सेटिंग हो रखी होगी वैसे वैसे ये वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ये कब चालू होना चाहिए, रन स्टोरेज सेंस है, तो ये देखिए जब लो हो जाए स्पेस, या तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जैसे आपको सही लगे आप इसको वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और टेम्परेरी फाइल्स कब कब डिलीट होनी चाहिए, इसमें भी दिन दे रखे हैं, एक महीना या आधा महीना या एक दिन, तो इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने आप। और अगर आपने खुद से डिलीट करनी है तो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लीन नाउ, आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेज वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।